केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। दोस्तों, आपको पता होगा कि किस हिसाब से इस राज्य में आपराधिक गतिविधियां बढ़ी है, और मैं मीडिया कर्मियों को विशेषकर धन्यवाद देता हूं, जिस हिसाब से आपने गोड्डा की बेटी पूजा भारती की निर्मम हत्या जो हुई है उसको लेकर लगातार मीडिया के माध्यम से सरकार पर दबाव बनाने का काम किया है, और जिस हिसाब से राज्य के मंत्री गोड्डा की पूजा भारती के घर पहुंचते हैं और ये आश्वासन देते हैं कि 48 आवर्स में हम लोग अपराधियों को पकड़ लेंगे, और अभी तक सरकार के तरफ से या फिर DGP के माध्यम से हम लोगों को केस की प्रोग्रेस के बारे में कुछ नहीं पता चला है, तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि हेमंत सरकार लड़कियों को लेकर, हेमंत सरकार महिलाओं को लेकर, हेमंत सरकार अपराधियों को लेकर कितनी गंभीर है। लेकिन आज का मुद्दा हम लोगों का वाणिज्यकर पर केंद्र बिंदु आधारित है, और इसमें बहुत कुछ कहने लायक नहीं है, आप सब देख रहे हैं। मैं और किशन दास जी चीज़ों को समझ रहे थे, और हम लोगों ने सिर्फ इतना ही इसमें जाना है कि सरकार ने लक्ष्य तो निर्धारित किया यहाँ पे 17,000 करोड़ का, और प्रति माह आमद में 1,400 करोड़ लाने का, लेकिन जिस हिसाब से सरकार ने काम किया है, जिस हिसाब से सरकार ने चीज़ों को देखा है, समझा है, उसके बाद उसका क्रियान्वयन किया है, आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि कमर्शियल टैक्स कलेक्शन इस राज्य का सबसे खराब रहा है, और अभी तक का अक्टूबर तक का आंकड़ा अगर हम देखें तो टैक्स कलेक्शन मात्र 31% रहा है। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब मैं कंपैरिजन करता हूँ रघुवर दास जी के कार्यकाल को, और मैं पूरे रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इस बात को कह रहा हूँ कि अगर आप 16-17 का आंकड़ा देखेंगे वाणिज्य कर विभाग का, तो आपको ये जानकर खुशी होगी कि हम लोगों ने, झारखंड प्रदेश ने 16-17 में पूरे हिंदुस्तान में टॉप किया था। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये दैनिक भास्कर का रिपोर्ट कह रहा है, और मैं पूरे रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इस बात को कह रहा हूँ कि अगर आप दैनिक भास्कर के रिपोर्ट को देखेंगे, रघुवर दास जी के कार्यकाल में 16-17 में हम लोग हिंदुस्तान में कमर्शियल टैक्स कलेक्शन वाणिज्य कर विभाग झारखंड का 1 रहा है। उसके बाद सरकार बदली, हेमंत सरन आई, हेमंत सरन की सरकार आई, और अब ये स्थिति, ये आलम हो गया है कि हम लोग 30% का भी आंकड़ा बहुत मुश्किल से पार कर रहे हैं। इस नोट पे सरकार चालू करते हैं कि खजाना खाली है, हमसे बहुत काम नहीं हो पाएगा, BJP ने पूरे चीज़ों को 5 साल में गड़बड़ कर दिया, तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि जीत के बाद आप अपने वादों को पूरा करने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, इसीलिए आप प्रोपोगंडा के तहत उल जुलूल स्टेटमेंट दे रहे हैं। उसके बाद आपने क्या कहा, खजाना खाली है, खजाना खाली है में आपने लोगों को ये तो नहीं बताया कि रघुवर दास की सरकार 2014 में भी जब सत्ता में आई थी उस समय भी हमारे पास कर्ज था, हम लोगों को सरप्लस में उस समय भी चीज़ नहीं मिली थी 2014 में, आपने ये बात तो जनता को नहीं बताया, आपने तो बताया कि 2019 में जब हम पावर में आए तो हम लोगों को खजाना खाली मिला, आप तो ये नहीं बताया कि 2014 में भी यही स्थिति थी, और उस बीच में कोरोना आ गया तो आपने ये कहा कि केंद्र द्वारा हम लोगों को मदद नहीं मिल रहा है और कोरोना में हम लोग कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। कोरोना में जहां समकक्ष आप बिहार में देखें, चुनाव होने के बावजूद उत्तर प्रदेश में देखें, कोरोना होने के बावजूद वहां पर विकास कार्यों में गति आई, लेकिन झारखंड में एक साल में पूरा इकोनॉमिक एक्टिविटी को आपने बंद कर रखा था। इसी फाइनेंशियल ईयर में, लास्ट ईयर अगर हम लास्ट ईयर देखें तो हम लोगों का इसी क्वार्टर पे, तो हम लोगों का कलेक्शन, हम लोगों का टारगेट था 16700 करोड़, और हम लोगों ने कलेक्ट कितना किया था लास्ट ईयर 10800,
यानी कि 64% हम लोगों ने इसी फाइनेंशियल ईयर लास्ट ईयर हम लोगों ने कलेक्ट कर दिया था, और आज ये आंकड़ा 30% है। मतलब पिछले साल के बनिस्पत हम लोग और बुरी तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। पिछले बार तो हम लोगों का सम्मानजनक स्थिति थी, भाजपा की सरकार खत्म हुई थी, जेएमएम की सरकार चालू हुई थी, लेकिन जब आज फुली फंक्शनल जेएमएम की सरकार एक साल में हुई है तो ये आंकड़ा इसी क्वार्टर का 64 से घटकर 30% पे जा गिरा है। आप इसके तरफ एक भी फोकस नहीं कर रहे हैं, और इसका यह परिणाम है कि बजट का आप मात्र 20% ही अभी तक से खर्च कर पाए हैं, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट पूरे राज्य में 60% हो गया है, जो कि पूरे हिंदुस्तान में आपको पहले पायदान में जाकर खड़ा कर दिया है। वो केंद्र बार बार बोल रही है आप लोन लेकर इस डेफिसिट को कम करें, और जो भी स्टेट झारखंड के साथ इस चीज का विरोध कर रहे थे, चाहे पंजाब हो, छत्तीसगढ़ हो, वो सब ने अब ऑप्शन वन, जो सरकार की ऑप्शन वन है, जिसमें 1.1 लाख करोड़ का जो लोन है वो अब लेने को तैयार हो गई है, सभी ने ऑप्शन वन को स्वीकारा है। पूरे हिंदुस्तान में मात्र एक प्रदेश है, झारखंड, जो इस ऑप्शन को स्वीकारने से इनकार कर रहा है। आपको पता होगा कि कमर्शियल टैक्स का जो ट्रिब्यूनल है वहां पर 500 से ज्यादा मामले पेंडिंग है, और वहां पर मामलों का इसलिए निष्पादन नहीं हो पा रहा है क्योंकि वहां पर अध्यक्ष और सदस्य महालेखाकार दोनों की पोस्ट वहां पर खाली है। लोगों ने जेएमएम की सरकार को सत्ता दिया, वो एक्सपेक्टेशन इन लोगों का पूरा नहीं हो पा रहा है। सरकार कहती है कि हम लोन माफ कर देंगे, कभी बोलती है हम 2 लाख तक का लोन माफ कर देंगे, फिर बोलती है 1 लाख तक का लोन माफ कर देंगे, और अंततः गत्वा जब बैंक में फॉर्म भरा जाता है तब लोगों को पता चलता है कि 50,000 तक का ही प्रावधान है, वो भी होगा कि नहीं होगा, अभी आज की डेट में ये भी सोचने का विषय है। हिसाब से आपराधिक गतिविधियां पूरे झारखंड में देख रहे हैं बढ़ी हुई है, उसको लेकर सरकार क्या रवैया, क्या रुख अपनाना चाह रही है, ये भी इस स्थिति को स्पष्ट करे। अधिक से अधिक टैक्स का कलेक्शन हो और सरकार कैसे मजबूती के साथ चले, इस पर सरकार के माननीय मंत्रियों का, माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान नहीं है। अगर ध्यान है तो पूरे प्रदेश में किस प्रकार से अवैध माइनिंग चले, किस प्रकार से उसमें सत्ता में बैठे लोगों का हिस्सेदारी हो, यह देखने को मिल रहा है कि सरकार में बैठे चाहे वह अधिकारी हों, चाहे जो भी प्रतिनिधि हों, उन तक अवैध पैसा पहुंच रहा है, और इसीलिए झारखंड में टैक्स का कलेक्शन नहीं हो रहा है, जिसके चलते कोई भी विकास का काम नहीं हो रहे हैं। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।